जय हिंद नमस्कार ऑपरेटर साथियों, आज झारखंड के बरही में देश में गणतंत्र की सरकार है, ऑपरेटर को अपनी मांग को रखने और अधिकार है, मजदूर को अधिकार है उनका घर परिवार, मजदूरों की होती है बस एक इच्छा, अपने परिवार की खुशी और बच्चों को शिक्षा। साथियों, आप लोगों को बुलाने का यहाँ पर खास मकसद यही है, आज हम लोग झारखंड के हजारीबाग के बरही में ऑपरेटर का बैठक हो रहा है और इस बैठक में जितने भी ऑपरेटर भाई आए हैं सभी को पहले दिल से आभार व्यक्त करते हैं और जो फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। साथियों, आज यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा स्वर्गीय कामरुद्दीन के परिवार को एक मुआवजा देना, इसलिए यहां पर हमारे टीम ऑपरेटिव का सहायता फाउंडेशन का सुल्तान अहमद, मकसूद अहमद और मिथिलेश कुमार, विद्यानंद जो जहानाबाद से आए हैं और यहाँ पर तमाम साथी ऑपरेटर गण। साथियों, आज यहाँ पर झारखंड के मीटिंग में झारखंड, जो झारखंड बोला जाता है ऑपरेटर का गढ़, आज जो बढ़ी है पूरा ऑपरेटर का घर, यहाँ पर लगभग हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5 लाख ऑपरेटर हैं। हर घर में आपको ऑपरेटर मिलेंगे, लेकिन हर घर में ऑपरेटर होने के बावजूद भी एकता नहीं है। और जब तक भारत में ऑपरेटर में एकता नहीं होगा जब तक शोषण होते ही रहेगा। आज हमारे ऊपर होगा तो कल आपके ऊपर होगा, और आप अगर एकता बना के नहीं रहिएगा फिर ना आप मालिक से लड़ सकते हैं, ना कंपनी से लड़ सकते हैं, ना ठेकेदार से लड़ सकते हैं, और आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार लेबर कोड बनाई है कि जाके जो मजदूर हैं अपना नया ले सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को ये भी पता होगा कि अगर आप लोग कोर्ट में जा रहे हैं तो आप लोग का समय भी जा रहा है और आप लोग का हक भी नहीं मिल रहा है और वहाँ पर भी शोषण किया जा रहा है, वहाँ पर भी समय लगेगा आपको वेतन निकलवाने के लिए, 45 दिन, 2 महीना, 3 महीना आपको दौड़ाते रहेगा, आप कल आइए, परसों आइए, तीसरा आइए, ऐसे ही एक दूसरे, जब तक ऑपरेटर जितने भी साथी हैं भारत के पूरा लेवल पर बताते हैं, कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर तक, अक्कश से लेकर तिनसुकिया तक, जितने भी ऑपरेटर साथी हैं सभी से हम अपील करते हैं कि आप लोग जो ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन संस्था बना है, जो भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो इसका अभी हेड ऑफिस है बिहार के सिवान जिले के बबनौली गाँव में, और इनका जो अध्यक्ष है पप्पू कुमार जी का नाम है, जो सुल्तान अहमद है, जो सचिव है, जो उपाध्यक्ष है संदीप यादव है, और यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर साथी आए हैं, हम सभी से गुजारिश कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इस मीटिंग में कुछ ना कुछ जरूर बोलिए, जो अपना जो मुद्दा होगा, जो सच्चाई होगा, अपना सच्चाई रखिए पूरा देश के सामने, देश के ऑपरेटर के सामने, ताकि ऑपरेटर में जागरूक हो। ऑपरेटर हम यहाँ पर कोटरमा से मार रहे थे जब बनी के लिए, तो बहुत सारे ऑपरेटर वहाँ पर काम कर रहे थे रोड में, तो हम एक ऑपरेटर को रोक कर बोले कि यहाँ आज यहाँ पर मीटिंग होने वाला है बनी में, लेकिन वो हमको बताया कि अभी हमको तो कुछ पता ही नहीं है मीटिंग के बारे में, फिर हम वहाँ से चल दिए। हम सभी ऑपरेटर से कहना चाहते हैं कि आप सभी को बताएं, एक ऑपरेटर कम से कम 10
10 ऑपरेटर को बताए और यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर भाई आए हैं सबको यहाँ से सुन के दूसरे को सुनाए, 10 ऑपरेटर को जाकर सुनाए वहां पर। और मुद्दा क्या है, जो परिवार को मुआवजा दिया जाएगा उनके घर पर जाए, यहाँ पर मीटिंग खत्म करके उनके घर पर पहुंचा जाएगा, चंपारण उनका घर पड़ेगा और उनका परिवार को जो सहायता आर्थिक सहायता संस्था की तरफ से दिया जाएगा। और ये बात नहीं है कि एक बार सहायता दिया जाएगा, आने वाले भविष्य में संस्था उनके परिवार के साथ है, हर कदम रहेगी। साथियों एक जो ऑपरेटर का मुद्दा आ रहा है, एक कंप्लेंट आया है मालिक की तरफ से, कहीं ना कहीं ऑपरेटर में भी कहीं कहीं गलती करते हैं जो एडवांस लेकर घर पर आ जाते हैं। सपोज अगर कोई मालिक आपको एक विश्वास के रूप में एडवांस दे रहा है 10,000, 15,000, 20,000 एडवांस दे रहा है कि आप घर पर जाइए, आप घर पर से फिर से आइए मेरे पास, लेकिन उसका विश्वासघात मत तोड़िए आप लोग। जो भी तमाम ऑपरेटर है एक विश्वास बनाए रखिए, एक विश्वास दूसरा चीज रहता है, एक जो एग्रीमेंट रहता है वो दूसरा चीज रहता है। अभी इतना विश्वासघात हो गया है मालिक के साथ कि आपको पेमेंट फंसा देते हैं आने के समय। कहीं सामने आइए खुल करके, जैसे कि हम लोग अभी मौजूद है ऑपरेटर, हम लोग एक झारखंड केंद्र सरकार से हम लोग का रजिस्टर किया हुआ, हमारा रेस नंबर है, हर चीज हम लोग हर चीज सिस्टम बना हुआ है, हम लोग का भी नियम कानून बना हुआ, सबका रजिस्टर किया हुआ है। सब आइए मजबूती से साथ में आइएगा तब ना कुछ कर पाएंगे। अगर किसी के साथ में अगर कुछ घटना हो रहा है तो हम सबको साथ में लेकर चलिएगा, एक झुंड बना करके चलिएगा ना, तो कहीं पर भी आप लोग हमला कीजिएगा तो भारी पड़ेगी उसके वास्ते। 10 आदमी एक जगह जाएगा, कोई आदमी मालिक के पास, मालिक को भी झुकना पड़ेगा, एक आदमी सपोज जाता है ना कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों हम लोग डेली का 500-700 कमाने वाला एक लेबर है, हम लोग पास कुछ नहीं रहता है, हम लोग वही ऑपरेटिंग करके मशीन लाइन में काम करके ग्रीस मार के ऑपरेटर बनते हैं, और ऑपरेटर बनने के बाद में दूसरे के पास करोड़ों संपत्ति देखते हैं दोस्तों, लेकिन ये हम लोग को कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्य नहीं है इस बात को लेकर के। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सब मौजूद है, बहुत अच्छा ही है, एकता बनाने के लिए आए हुए हैं, और जितने भी साथी तमाम आईडी कार्ड वाले जितने भी साथी हैं ध्यान दे, कहीं पर भी काम करने के लिए जा रहे हैं ना, उसको सबसे पहले मालिक को विश्वास दिलाइए, आप लोग मालिक को विश्वास दिलाइए कि हम फलाना फाउंडेशन से बिलोंग करते हैं, हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। जब तक अभी शपथ पत्र का हम लोग नियुक्ति नहीं करते हैं तब तक आप लोग विश्वास बनाइए मौखिक में, एक छोटा सा पेपर में लिख दीजिए ना मालिक को विश्वास दिलाइए ताकि मालिक आपका पैसा ना रोके। आप लोग समझ रहे होंगे मेरा बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों बात तो बहुत सारा है, सभी को ही है, हम लोग तो बोलते रहेंगे एकता एकता एकता। 2 दिन पहले लाइव में भी बोले थे, हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, करत करत अभ्यास पे जन्मती हो सुदान रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। अगर एक रस्सी वही रास्ता में चलती है ना, एक पत्थर में भी सिर पर चलती है तो हम घाट बना देती है। हम लोग एक जगह में आज बरही में 3 बार आ चुके हैं, सहायता फाउंडेशन 3 बार मिलेगी, 3रा बार चल रहा है, एक बार हम रिपोर्टिंग करने भी जाए। कब आप खुलता है, जब आदमी का ना पेमेंट फंस जाएगा तब ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन पूछेगा कि सर हमारा पेमेंट फंस चुका है, तुरंत खोजेगा नहीं आईडी कार्ड बनाना, कितना 500 रुपये के बाद आईडी कार्ड बना लेते हैं, बनाने के बाद तुरंत फोन करता है सर मेरा 2 महीने पिछला वाला चला जाएगा, पेमेंट फंस जाएगा। जब पेमेंट फंसता है तब आईडी कार्ड उसको याद आती है, तब संस्था याद आती है, उससे पहले संस्था कोई नहीं कर पाएगा, उससे पहले संस्था का कोई जिम्मेदार नहीं रहता है क्या। दोस्तों ऐसा गलती बिल्कुल ना करें, हम लोग जो बोल रहे हैं ना, आप लोग सोचते हैं कि नहीं है हम लोग पैसा कमाने के लिए ये किए हैं, पैसा कमाने के लिए अपना पेट भरने के लिए, दोस्तों ये गलत बात है, हम लोग अपना पैसा खर्च करके हम लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ खर्च होती है, हम लोग ऑफिस में खर्च होती है, संस्था के लिए लैपटॉप नहीं था, संस्था के लिए लैपटॉप जुगाड़ हुआ, हर चीज़ वो ऑफिस जुगाड़ था, ऑफिस जुगाड़ ताकि आप लोग जाइएगा तो एक मजबूत हम लोग का ऑफिस हर जगह चर्चित हो। आदमी नहीं है, संस्था के पास उतना औकात नहीं है कि 10 आदमी को बैठा खाना खिला सके, कौन हेल्प करेगा इसको। आप लोग तो 2 पैसा 4 पैसा आप लोग दे करके आप लोग
संस्था को रजिस्टर करने में साथ दिए, मदद दिए, लेकिन संस्था को चलाने के लिए आदमी होना, हर एक स्टेट से, हर एक राज्य से, हर एक गांव से, हर एक जिला से होना, प्रदेश में हर एक प्रदेश में अध्यक्ष सचिव होना, हर एक जिला में अध्यक्ष सचिव होना, तो होगा। आज हम लोग फेसबुक में भी हम लोग शेयर किए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले हुए थे कि अगर किसी को नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर अगर कुछ बनना है, संस्था में नियुक्ति चाहिए, काम करना चाहते हैं जुड़ करके, आप लोग आइए खुल करके। आप लोग में से कौन कौन साथी है जो कि बनना चाहते हैं, संस्था में खुलकर काम करना चाहते हैं? कोई साथी पैसा सोच कर कोई विचार ऐसे विचारधारा लेकर के आए हुए हैं? कोई नहीं है। आप लोग में से कोई नहीं कर सकता है काम? कर सकते हैं, लेकिन फिर मसला ये हो जाती है कि बाहर कमाने के लिए जाएं। जी हम लोग भी ऑपरेटर काम करते हैं तो इसका भी कैसे नहीं रहेगा, लेकिन हमारे हिसाब से यदि गांव घर में रहेंगे तो ही हम लोग हाथ बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फोन के माध्यम से काम तो होगा नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूँ, फोन से माध्यम से काम होने का रहेगा तो हम लोग साथ। इसका भी हम लोग पहले महीना फोन के माध्यम से होगा, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। कुछ दिन पहले फोन से काम करेंगे, हर एक राज्य में, हर एक जिला में ऑफिस नहीं है, तब तक हम लोग का फोन के माध्यम से काम होगा। आज से मैं यह आह्वान करता हूँ, मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी तमाम ऑपरेटर साथी देख रहे हैं हम सबको, आप लोग आईडी कार्ड बनाइए, 500 रुपया 1000 रुपया मत देखिए दोस्तों। अगर आपका एक मजबूती लाना है, इस संस्था को आगे लेके चलना है, आपका चाहते हैं आपका पेमेंट ना फंसे, आप चाहते हैं कि आपको टाइम से पेमेंट मिले, आप आ जाते हैं कि एक ऑपरेटर एक तो शायद फाउंडेशन का नाम सुन दे, मालिक आपको पेमेंट दे, तो हर एक राज्य में, हर एक प्रदेश में, हर एक जिला में एक ऑफिस होना है। उसके वास्ते क्या है, पैसा चाहिए, पैसा डोनेशन चाहिए। जैसा आप लोग डोनेशन दे करके संस्था को मजबूत खड़ा किए, वैसा पैसा आप लोग दे करके खड़ा कीजिए। आप लोग अपना रोटी सेकने मत रहिए कि आप लोग का पेमेंट फंस गया तो संस्था को फोन किए, आईडी कार्ड बना दे, पढ़ने के बाद बोलते हैं मेरा आईडी कार्ड है, पुराना का आईडी कार्ड नहीं है मेरा, उसका पेमेंट फंस गया है, दो महीने पहले का पेमेंट फंस गया, पेमेंट नहीं करना, थोड़ा बात कर दीजिए भाई। ऐसा आदमी सब बहुत जगह है, बहुत जगह सबका पेमेंट फंसा हुआ है। ऐसा ऐसा आदमी है कि संस्था जहाँ पर सिस्टम खड़ा नहीं होगी उस टाइम का पेमेंट फंसा, कोरोना पेमेंट है। तो भाई अगला भी तो होशियार है कि आपका संस्था तो उस समय नहीं थी, आज कैसे आपकी संस्था आ गई। अभी सबको उम्मीद हो रहा है, सब कुछ जान रहा है, आधा भारत में भी संस्था को जानने पहचानने वाला आदमी है। तो कहते हैं इतना ही कुछ बात बोलते हुए, आप लोग को भी कुछ बोलना है, आप लोग आए आज बना करके और बोलिए इस संस्था के थ्रू, आपका आवाज को बुलंद कीजिए। ये हम लोग का इस एक जरिया है, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन को आप सर्च मार के देखिए, आप नेट में गूगल मार के देखिए, आपका आएगा www.oesf.in कीजिए, आपका गूगल में भी आएगा हमारी संस्था। गूगल में आने से क्या है, इस सब आपको वहाँ पर पहचान बनेगी। आप लोग सामने आइए, खुल के काम कीजिएगा, लोग आपको जानेंगे। नहीं आइएगा कोई नहीं जानेगा। मुझे भी कौन जानता था, फोन के थ्रू मेरा नंबर गूगल में देखता है, बबलू जी को कौन जानता था, कोई नहीं जानता था, अकेले ही चला था ये बंदा। ये हमको करना है, ये भी हम लोग का फ्रेंडशिप जो हुआ ना फेसबुक में हुआ। कहते हैं ना कि अकेले ही चला था मंजिले जानी, मगर लोग मिलते कर दरवा बनता चला गया। यही होता है, अभी हम लोग एक हैं, कल 10 रहेंगे, अनेक रहेंगे। आज हम लोग झारखंड से हैं, झारखंड में इतना ऑपरेटर है ना, पूरे भारत का ना तख्ता पलट कर सकते हैं हम लोग, पूरे भारत का चाहेंगे तो पूरे भारत का मालिक का तख्ता पलट कर देंगे, हड़ताल कर सकते हैं हम लोग, पूरा ऑपरेटर पूरा मशीन का। कब हम लोग हड़ताल करेंगे? हम लोग का पास हर एक जगह में ऑफिस रहेगा ना, हम लोग पूरा राजधानी हम लोग हड़ताल कर सकते। आज झारखंड में 1932 का खत्म को लेकर के चल रहा है सब बात में, क्यों? वो लोग में एकता ही है, पूरा आदिवासी क्रिश्चियन 1932 खत्म को लेकर के वोटा लागू करना होगा तो करना होगा, पूरा आदिवासी देख रहे सब एक हो गया, क्यों हो रहा है? अपना वो फायदा के लिए कर रहा ना, तो हम लोग के लिए फायदा करना चाहेंगे ना। हजारीबाग में इतना ऑपरेटर है, पूरा हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, तिलैया हो गया, इधर इतना ऑपरेटर है, चाहे
झारखंड में कम से कम इस चीज को सुधार कर सकता है, झारखंड में। और जितना मशीन है ना झारखंड में बरही में, यहाँ कोऑपरेटर यही मशीन चलाने लगा तो बाहर को मशीन मालिक ऑपरेटर नहीं मिलेगा। ऐसा दोस्तों हमारे साथ बीच मौजूद है मकसूद आलम जी और मिथिलेश जी और अन्य साथी मौजूद हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा बात करने का मौका देते हैं, अपने छोटा सा बात को खत्म करते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। देखिए एक महीना पहले जेसीबी और एक्सीवेटर जो पैकल लोडर है और जो एक्सीवेटर पोकलेन जो जिसको बोला जाता है, पोकलेन में बहुत सारी पोकलेन आ जाती है, जैसे ब्रेकर आ जाते हैं, उसके बाद लॉन्ग बूम मशीन, उसके बाद उसमें जो भी आते हैं, एक जो निर्धारित किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक नोटिस हम आप लोग को दिखाते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमीशन सी न्यू दिल्ली, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन का आंसर, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस और रोड और रोडवेज और इन बिल्डिंग ऑपरेटिंग इन ड्यूअल लेन डाउन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक जो भी है, यहाँ पर पहला नंबर कंस्ट्रक्शन लाइन का। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर फेसबुक में दिखा देते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिस है, ये कब का है, 28 अक्टूबर 2021 का है, मतलब लगभग आज से छह महीने पहले का। और अनसील असीमित सिर्फ अनसील, एक अनसील बोला जाता है जिसको जो मजदूर है जिनको आप लोग देखे होंगे राजमिस्त्री के साथ काम करते हैं, जिनको ईटा पत्थर जो भी ढोते हैं उनको अनसिल्क बोला जाता है, उनको मैंने कोई कला नहीं है उनके पास। और सिल्क अनसिल्क सुपराइजर, ये तो सुपराइजर हो गए, लेकिन सिल्क क्लियरसी एक हाई सिल्क इसमें आते हैं ऑपरेटर, और जो सिल्क में आते हैं इसमें आ जाएंगे भैया जेसीबी ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर आ जाएंगे और इसमें आ जाएंगे जितने भी ट्रक हैं, टेन व्हीलर सिक्स व्हीलर सब आ जाएंगे ये सिल्क में, हाई सिल्क में आ जाएंगे, एक्सीवेटर आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे उसमें लोडर भी आ जाएंगे, उसके बाद इसमें ग्रेडर भी आ जाएंगे, मोबाइल क्लेम भी आ जाएंगे, और मोबाइल क्लेम के बाद जो मोबाइल क्लेम में 50 टन के ऊपर है इसमें आ जाएंगे, एक दूसरा जो सिल्क है इसमें हम बता देते हैं, जो एक्सीवेटर का वेतन है जेसीबी का, पहले सुन लीजिएगा, पैकल लोडर का जो जेसीबी का पेमेंट होना चाहिए 19,620 रुपया, जो जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है, 18 साल उम्र होना चाहिए, ये नहीं कि आप 12 साल से मशीन चला रहे हो, वो बात नहीं है, 18 साल से जिनका उम्र 23 साल है उनका पेमेंट होना चाहिए 19,620 रुपया, और जो 5 साल से ज्यादा सीनियर है उनका वेतन होना चाहिए 22,860 रुपया, और इसमें लाइसेंस भी जरूरी है, हेवी लाइसेंस भी जरूरी है, लाइसेंस तो दोनों में जरूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस के मुद्दे पर बात करते हैं कि जब आप रोड लाइन पर चलते हैं तो लाइसेंस जरूरी है। एक्सीवेटर ऑपरेटर, और एक बात बताते हैं, पूछते हैं आप सभी से जो यहाँ पर फेसबुक पर जुड़े हैं और जो यहाँ पर मौजूद है, अच्छा बताइए झारखंड में हेवी लाइसेंस बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है? 30 से 35 हजार ना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग 10 ऑपरेटर या 15 ऑपरेटर मिलकर
अपना सांसद के पास पहुंचिए और उनको बोलिए लोकसभा में मुद्दा उठाए। आप लोग वोट देते कि नहीं है? जब वोटर आईडी कार्ड है तो अपना हक के लिए क्यों नहीं सांसद से पूछते हैं? आपका सांसद है ना क्षेत्रीय, आपके पास आते हैं ना वोट मांगने के लिए? कोई भी पार्टी को नहीं दीजिए, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप पहले मांग उठाइए उनसे, आप 10 पीटर या 15 पीटर या 20 पीटर मिल के बजाइए कि हमारे हजारीबाग में या हमारे झारखंड में 30-35 हजार ऑपरेटर का जो लाइसेंस है, हेवी लाइसेंस क्यों है? अदर स्टेट में आप जाइए, कलकत्ता में चला जाइए, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर 10 हजार में हेवी बन रहा है। उत्तर प्रदेश में चला जाइए, वहाँ पर 10 हजार में 15 हजार में बन रहा है। तो यहाँ झारखंड में 30-35 हजार में क्यों? बिहार में भी 20-25 हजार लग रहा है, क्यों? ऑपरेटर कहाँ से लाएगी जो मजदूर ऑपरेटर है, गरीब ऑपरेटर है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मालिक का सवाल नहीं है ना कंपनी का सवाल है, ये आपका क्षेत्र का सांसद जब तक लोकसभा में नहीं उठाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा। या ये जो संस्था है, अगर संस्था और मजबूत बनती है तो ये परिवहन मंत्री है जो भारत सरकार के नितिन गडकरी जी, उनको लेटर लिखना पड़ेगा संस्था की तरफ से या मुलाकात करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल में 10 हजार है और झारखंड में 35 हजार है, तो ये मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं आ रहा है, ये मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट का है। इसके लिए जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, जो हेमंत जी है, लाइसेंस का फीस कम किया जाए और यहां की जितने भी ऑपरेटर हैं, भारत में सबसे ज्यादा ऑपरेटर यहीं पर है, और कुछ व्यवस्था रहने का किया जाए इस ऑपरेटर के लिए, रांची में कहीं पर उनको सुविधा कुछ दिया जाए। जैसा अभी हजारीबाग में 5 लाख ऑपरेटर है तो कम से कम 2 एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाए ताकि इनके परिवार को कहीं अगर कोई इमरजेंसी आती है तो एम्बुलेंस का जो परेशानी है वो परेशानी ही ना हो। और जो एक्सीवेटर ऑपरेटर है उनका लाइसेंस होना चाहिए, जो एक्सीवेटर ऑपरेटर है 5 साल के सीनियर से कम है उनका पेमेंट होना चाहिए 22,860 रुपया। इस एक्ट सेक्शन 28 व
29 के अंतर्गत उल्लेख है कि ओवरटाइम काम करने पर कर्मचारी को समान वेतन की दुगुनी दर से भुगतान की जाना जरूरी है। सपोज आपका पेमेंट है एक दिन का 600 रुपया और आप 8 घंटा ड्यूटी किए, 1 घंटा लंच, 9 घंटा काम किए और 9 घंटा काम करने के बावजूद भी अगर आप काम कर रहे हैं 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, तो उसका एक दूसरा अलग हिसाब होना चाहिए। उसका आपका दुगुना बोले तो 1 घंटा का 130 रुपया आपको मिलना चाहिए ओवर टाइम का पैसा, अगर आप 8-9 घंटा से ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। आप मात्र रखिए ना, पहले एकता बनाइए ना आपस में। आप ही क्यों नहीं कमा सकते हैं 25,000-30,000? क्यों जरूरी है कि डीजल पे कमाइएगा? ईमानदारी से नहीं कमा पाइएगा? जो डीजल बेचते हैं ना, उनका जाकर परिस्थिति देख लीजिएगा, जिस दिन पकड़ाते हैं उस दिन क्या हालत होता है। मशीन के नीचे सोना पड़ता है, बारिश आता है तिरपाल ओढ़ के सोना पड़ता है। हम सब आग से देखे हैं ऑपरेटर लोग को, और यहाँ पर भाई कैमरामैन जो है अब देखिए, अब हम बता देते हैं, आप हम लोग का आवाज दब कर सोशल मीडिया पे वो कोई वीडियो वायरल होता है, जैसे कोई मशीन जल रही है, तो उसमें तुरंत ऑपरेटर लोग कमेंट क्या करते हैं, जियो से अच्छा किया, अरे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, शॉर्ट सर्किट का काम लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत कमेंट करके बढ़ावा दें, उससे बदनाम क्या कौन होता है ऑपरेटर, ठीक है, वो काम ना करें। और मैं और सही के हित में बात करता हूँ कि अपना स्टाफ जो भी ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो, उसको अहमियत दिए, वैल्यू दीजिए। भाई हमारा स्टाफ है, किसी से हम जो भी कमाएंगे राखना मेरे से कमाएगा, वो वैल्यू दीजिए स्टाफ को। बोलिए, अब ऐसा नहीं है कि बस मतलब मजदूर है तो मजदूर को ग्रेड में उसको छोड़ दें, आदमी डीजल देखता कैसे, उसको टाइम से पेमेंट नहीं देंगे, अभी हर हफ्ता में महीना में जरूरी पड़ता है, उसको आप 1 से 10 तारीख के बीच में पेमेंट कीजिए, कोई हाथ नहीं लगाएगा, सुरक्षित रहेगा। उसको जिम्मेवारी दीजिए, भाई तुमको इतना क्वांटिटी में दिया हूँ, इतना मेरे को टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी दिए उसके बाद क्या 2-3 महीने पेमेंट करेंगे आप, तो कैसे होगा? इसलिए ओनर लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें, अपना जो फर्ज होता है टाइम से पेमेंट करें, उसको वैल्यू दें स्टाफ को। अभी जो बीच में घटना हुआ वायरल हुआ, आपका कारण सही है, ओनर से पहले अपने आप को सुधारना है। वही बता रहा हूँ ना, अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगला कैसे करेंगे? तो धूप क्या चटवाया, इतना बड़ा घिरने वाला काम किया, बहुत गलत हुआ वो, उस बात को गलत किया यदि ऑपरेटर उसके साथ डीजल पे चल रहा है, उनके चल रहा है, ये सभी के ऑपरेटर का नाम क्या हो रहा है, साथ मालिक लोगों को भी नाम खराब हुआ है। आप वहाँ पे 5-10 अपराध जमा कीजिए, ओनर से बता रहा हूँ कि 5-10 अपराध को जमा कीजिए, कैसा काम किया है ऑपरेटर, इसको बताओ क्या है, जो नुकसान हुआ ऑपरेटर देगा, वजह अगर ज्यादा ही किया है एक्स्ट्रा तो नुकसान देगा वहाँ तो ठीक है, चलो आपका बात है कि डीजल से चाय हमसे लेकर रहा, लेकिन आप उसको रंगे हाथ पकड़िए, अब रंगे हाथ पकड़े उसको प्रश्न में डाल दीजिए, धूप के चढ़वाना मारना ये बैनर बैनर भी जरूरी
प्लस ऑपरेटर दे दे तो मालिक को लोगों को भी बतानी हो रही है, वो मालिक के पास दोबारा हो जाएगा। मालिक आ गया कर गया, ऑपरेटर का नाम होता है वो, ठीक है, लेकिन मालिक यदि मारा तो मालिक के पास पहुंच जाएगा भाई काम करने के देर से। वही बात है ना, मालिक को भाई ऑपरेटर को दूसरा मशीन मिल जाएगा, मालिक को कौन मिलेगा? और ऑपरेटर लोग उस जगह पर जाना भी नहीं चाहिए भाई, ऐसा व्यवहार। यही कहना चाहता हूँ कि वैसा वैसे मालिक के पास ऑपरेटर मत जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले अभी दो दिनों में पहले जो मालिक ने ऑपरेटर को थुपके चढ़ाया, बिजनेस कुमार का बना, मैं झारखंड से हूँ, बबागर प्रखंड से धक्का भाग हुआ। मैं जो ये फेसबुक में देखा था, जो ऑपरेटर को मालिक ने थूक के चढ़ाया, वो डीजल का चोरी किया था कि क्या किया था वो हमें किसी को तो मालूम नहीं है। वो ऐसा ऑपरेटर को मारा, मार के भी मतलब कि बहुत तरह से उसको गाली गलौज भी किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसा मालिक के पास ऑपरेटर जाए भी नहीं काम करने के लिए। और रह गई बात, यदि वैसा गलत करता है ऑपरेटर, डीजल बेचता है या कुछ करता है, तो ऑपरेटर को आप सीधा पुलिस चौकी में डाल दीजिए, उससे एफआईआर करवाइए। यदि वो किया होगा गलत काम तो वो खुद अपना मुंह से निकालेगा भाई कि हमने डीजल बेचा है, उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई होगा वो मालिक और ऑपरेटर देखेगा। लेकिन ऐसा मारपीट मत कीजिएगा, मैं यही बोलता हूँ। और प्लस में दूसरी बात ये है कि हमारे झारखंड के अभी भी दो चार अभी ऑपरेटर है कोरोना के, हमारे नगर में नांदेड़ महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। ऑपरेटर को मालिक से बात करके 22,000 पेमेंट से बात करवा के और ऑपरेटर को 17,000-16,000 में काम करवा रहे हैं। और ये हेल्परों को जो है, हेल्पर को 10,000 पेमेंट बुला के यहाँ से घर से बुला के ले रहे हैं और वहाँ से जाके 6,000-7,000 में हेल्पर को पेमेंट दिला रहे हैं। तो हम ये बोलना चाहता हूँ कि भाई कोई भी पेट के लिए और कोई भी काम करने के लिए बाहर जा रहा है घर पर पास होके, तो ऐसा ना करें। और प्लस में ये है कि रह गई जो हेल्पर का जो उचित पेमेंट है, अभी महाराष्ट्र में जो लोकल कंपनी है उसमें 6,000-7,000 रुपये खाना वाना खिला के देता है और जो कंपनी है 8,000-9,000 रुपये जो वेतन दे रही है, लेकिन जो घर से बुला के 10,000 बात करके मालिक से उसका आधा पेमेंट ऑपरेटर लोग रख रहा है वो ना करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीजल वगैरह ना बेचें, शांतिपूर्वक से काम करें बाहर जाके, और चोरी मतलब कि कुछ भी ना करें और अपना जो हक बनता है वो पेमेंट लें। और मैं यही कहता हूँ, अपना वैल्यू खुद बनाइए, अपना वैल्यू बनाइए, दूसरे से मार नहीं का गाली मत खाइए। अभी बाहर में अपने को कोई साथ देने वाला नहीं है, अच्छा से काम कीजिएगा तो अच्छा से आपको पैसा मिलेगा। आप यदि चोरी करते हैं तो आपको मार खाएगा, हाथ पैर तोड़ देगा, बाद में घर वालों को पता चला कि हमारा लड़का बाहर में कमा रहा है, दूसरा दिन फोन आया कि नहीं आपका लड़का का हाथ पैर टूट गया है, वो ऐसा कतई ना करें। और शांतिपूर्वक से अपना काम करके आवे जावे और व्यवहार बना कर रखे, वैसे ही वैल्यू बढ़ता है। चोरी हारी कीजिएगा तो आपको यहाँ इस मालिक के पास जाएगा, यहाँ चोरी कीजिएगा ये नहीं रखा दूसरा मालिक के पास जाएगा, दूसरा मालिक यदि ऐसा कीजिएगा तो आपको बाजार में कोई भी नहीं रखेगा और काम भी आपको मुश्किल लेके मिलेगा भाई। हाँ भाई, तो इसके लिए ऐसा काम पता ही ना करें। सब मीटिंग हॉल में कितना दिन मीटिंग करेंगे, कब तक मीटिंग करेंगे? हम लोग को रोड में उतरना है, जब तक रोड में उतरेंगे नहीं एक नया आंदोलन उभर के नहीं निकलेंगे, हम लोग कुछ काम होने वाला नहीं है। और कब रोड में उतरेंगे? जब तक एकता ही नहीं होगा तब तक हम लोग रोड में नहीं उतर सकते। 2-4-10 आदमी से कोई कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग कम से कम अगर उतरना चाहेंगे तो कम से कम 500,000 का मजमा अगर रोड में 3-4 दिन लगातार 10 दिन हड़ताल नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग का कहीं पर ही कुछ होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कोई आदमी इधर धनबाद तो रखता है, ये क्या नाम है, अरे 1932 खाते खाते को लेकर के जयराम मातो जी कि लागू करे भेतो अपने कोटा भाषा में बोलता है, तो हम लोग को भी बोलते हैं क्या पेमेंट देवे भेतो तो देवे भेतो, हम लोग को भी ये करना है यार। हम लोग देख रहे हैं कोई दूसरा का जो कर रहा है उसको तो फॉलो करना।
करना है दोस्तों। अगर मालिक को, अगर कोई इस मंच के माध्यम से कोई मालिक अगर देख रहे हैं हम लोग का वीडियो और इस मीटिंग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं ऑपरेटर एक तो साहब चाहता पोर्टल के थ्रू, तो मैं आप मालिक से, आप मशीन ओनर से, जितने भी तमाम मशीन ओनर हैं आप देख रहे हैं, मैं आप लोग एक आह्वान करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक चेतना देना चाहता हूँ मैं कि ऑपरेटर भाई का शोषण ना करें। अगर वो आपके पास डीजल सेल कर रहा है, डीजल बेच रहा है, तो आप उनको रंगे हाथ पकड़ रहे हैं, तो आप उसे प्रताड़ित मत कीजिए, पेमेंट मत रोकिए, पेमेंट दीजिए, प्रताड़ित मत कीजिए। आपका डीजल बेचा है, आप सबूत मिला है, आप एक फायर कीजिए, थाना चौकी पुलिस चौकी में फायर कीजिए। चोर का जो केस होता है, चोर के हिसाब से केस डालिए उसको, और जहाँ भी हो जैसा भी हो अगर वो समझो कर दिया सपोर्ट करेगी तो हम संस्था भी सपोर्ट करेगी। लेकिन आप लोग जो अन्याय कर देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, थूक के चटवा देते हैं, नमक में नंगा करके भेज देते हैं, तो ऐसा क्या भाई? ऑपरेटर एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है जी, आपको मशीन चलाते चलाते आपका देहांत कर देता है, ऑपरेटर अपने आप को जान कुर्बान कर देता है, उस समय आपका हमदर्दी कहाँ चला जाता है? और 22,000 पेमेंट दीजिए, आप लोग पेमेंट बढ़ा दीजिए ना, तो डीजल बेचने का ये नहीं रहेगा, डीजल बेच नहीं सकते, पेमेंट बढ़ा दीजिए, टाइम टू टाइम पेमेंट दीजिए। ठीक है, एक दो दिन लेट होता है, कम से कम पहला महीना बुलाया है पेमेंट के लिए, तो पहले महीने से बोलिएगा कि हमको इतना महीना के बाद पेमेंट दे, गलत बात है। कम से कम 2-4 महीना पेमेंट दीजिए कंटिन्यू, और देने के बाद में आप बोलिए कि तीसरा महीना, चौथा महीना, पाँचवा महीना होने के बाद आप बोल सकते हो उस टाइम कि दोस्त ऑपरेटर जी तो पेमेंट तो ये महीना थोड़ा सा लेट होगा, 10 दिन पेमेंट बाद में जाना। ऑपरेटर मानेगा नहीं मानेगा से बात नहीं है, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि नहीं पहला महीना आया पेमेंट के लिए, दूसरा महीना उसे पेमेंट दे दिए, उसको विश्वास किससे हो? पहले आप विश्वास बनाइए ना ऑपरेटर के साथ में, ऑपरेटर अपना घर बार छोड़कर आपको मशीन अच्छे से मेंटेनेंस करके और एग्रीमेंट कराइए जरूर ऑपरेटर के साथ। और सभी मालिक से बोलना चाहता हूँ, एग्रीमेंट बहुत जरूरी कराइए, एग्रीमेंट नहीं कराइएगा ऑपरेटर का, ऑपरेटर कुछ नहीं कर पाएगा। एग्रीमेंट कराइए और ऑपरेटर पकड़िए जोर से, आपका मशीन में कुछ भी घटना होता है, हमारी संस्था है, अभी ऑपरेटर एक तो सहायता फाउंडेशन बनी हुई है, सभी ऑपरेटर हमारा पेमेंट आता, ऑपरेटर जाएगा मालिक कैसे नहीं जानेगा, आप लोग भी देख रहे हैं। एग्रीमेंट कराइए सभी ऑपरेटर को, एग्रीमेंट कराने के बाद में ऑपरेटर को पकड़िए, अगर आपको मशीन कुछ होता है तो हम तक पहुँचाइए, नहीं होता तो फायर कीजिए, थाना में पुलिस में डालिए, जेल में बंद कीजिए उसको, पैसे सीधा नहीं होता ऑपरेटर को भी देखते हैं। लेकिन मारिए मत, जान से मत मारिए। हाल फिलहाल आया था असम से एक वीडियो, मार करके उसको बोलरे में डाल कर लेके जा रहा है, उसका भी भरपाई कौन करेगा? जान तो एक बार आता है भाई दोस्तों, प्लीज ऐसा ना करें। और अगर किसी साथी को बोलना है किसी मुद्दा को लेकर के, कुछ दिन में हम लोग का रिपोर्ट किए थे बुढ़िया डाबर गांव में स्वा कमरुद्दीन का लेकर के, जो डोनेट करना है उसके बारे में हमारे अध्यक्ष बबलू जी कुछ बात करेंगे। तो इतना ही बात मैं आह्वान इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, और इस मीटिंग को सभी साथी बने रहिए, अभी मुआवजा देने की बारी है, जो कुछ भी होता है बबलू जी आप लोग से कुछ बात शेयर करें, धन्यवाद। और कोई साथी बोलना चाहता है? बिहार से आए
है लाइफ में विद्यानंद मांझी है, ये कुछ बोले या कुछ विचार हो मसूस है कैसे किस आना को बताइए। फाउंडेशन एकता की तरफ से सभी ऑपरेटर भाई को नमस्कार। भाई हम अभी कम से कम 20 साल से इस लाइन में हैं, मेरा कई पेमेंट नहीं पास नहीं किया कोई भी कंपनी या कोई भी मालिक के पास नहीं। जब भी मैं नौकरी छोड़ा हूँ तो पेमेंट कम रहने के चक्कर में, ये तो ऐसा नहीं छोड़ा क्योंकि मार्केट बनाना हमारा काम है, कैसे मालिक से एक दूसरे से मिल के रहेंगे तो ही हम लोग को पेमेंट नहीं कर सकते। अगर मालिक लेट कर रहा तो आप बोलेंगे कि थोड़ा डीजल बेच लेते हैं, थोड़ा पार्ट बेच देते हैं, ऐसा काम ना करिए कि कल को हमारे दिक्कत हो, मारपीट हो, ये सब चीज़ें ना करें, मिल के रहें एक दूसरे से, अपने बाल बच्चे को भी देखें और सबसे सहयोग में रहें, इस प्रदेशन में सब मिल के चलें। जिस तरह अंगूर एक गुच्छे में रहता है उस तरह हम लोग को आना, अब जो ये बबलू सर हुए और भी जो सर हुए वो फील्ड में उतरे, जब तक हम लोग एक गुच्छे में नहीं आएंगे बिखरे हुए हैं तो नहीं वो सर पाएंगे फील्ड में, इसलिए हम लोग साथ दें उनका, सहयोग करें, तन मन धन तीनों से हम लोग सहयोग करेंगे तभी ये संस्था आगे बढ़ेगी। बबलू सर्कस का नाम है, हर एक राज्य भारत की हर एक राज्य में ऑफिस खोलने में मनसा है, मन में लालसा जगी, तो ये कहाँ से करेंगे जब तक हम लोग साथ नहीं देंगे, मन धन धन तीनों से साथ देना, तब जाके हर एक राज्य में एक ऑफिस खुले, वहाँ सहायता के लिए पहुँचे, हर एक आदमी को रखा जाए। अभी बबलू सर बोले कि एक वकील को हायर किया गया है, तो किसके लिए किया गया, हम लोग के लिए किया गया है कि कहीं भी कोई फंसता है, कोई झगड़ा है, कुछ भी लफड़ा हो रहा है, वो हम लोग को सहायता करें। हम जहानाबाद से बिलोंग करते हैं बिहार के है, और सब साथियों से हमारे पास जितने साथी हैं सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार संस्था को देखिए, आप जुड़िए इसमें, एक दूसरे को सहयोग करिए। अभी जो ये घटना हुई है मिजोरम में, वहाँ पे मैं भी था, मैं दूसरे कंपनी में था जब ये घटना हुई, बहुत सुन के दुख हुआ, प्रकट क्या कहें, गरीब आदमी हम लोग हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं बाल बच्चे को संभालने के लिए, घर गृहस्थी के चक्कर में आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका सहयोग करिए। जो भी हो हम लोग एक दिन में कम से कम 1,000-2,000 रुपये उड़ा देते हैं, कुछ नहीं तो 100, 200, 150 जो भी बन रहा आप दीजिए, दान करिए। पहले भी हमने बहुत दान किए हैं, दिलीप बिलकोन में 2014 में थे, एक ड्राइवर को 11,000 तार का बिजली गिर गया, उसमें उसका डेड हो गया, वहाँ का एक सुपरवाइजर बोला सब दान करो, हम लोग ने वहाँ भी दान किया, जितना ऑपरेटर ड्राइवर भाई लोग थे सब एक दिन का पेमेंट वहाँ किए, एक दिन का जो सैलरी होता था सबने दान किए। फिर उसके बाद कंपनी दी कि नहीं ये हमको मालूम नहीं, पर सब ऑपरेटर भाई लोग दान किए हमारे यहाँ। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे दोस्त लोग हैं, ग्रेडर ऑपरेटर, पेवर ऑपरेटर, हैंडपंप ऑपरेटर सब उधर के हैं, उन लोग से भी हम अनुरोध करते हैं कि संस्था से जुड़े सबको, सब इस चीज़ के मैं भी जानकारी दे रहा हूँ कि भैया आप इसमें जुड़िए, बोलते हैं कि कैसे होगा विद्या भाई कैसे जुड़ेंगे, बोलो मैं अपना जो बबलू सर बना के काम किए सबको मैं व्हाट्सअप किया, उसमें बबलू सर का नंबर है उस पर उनसे कॉन्टेक्ट करिए, वो आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा नहीं होता, ये गुच्छे में आइए एकदम मजबूत बनाइए तभी जाकर कुछ होगा हम लोग के साथ, नहीं तो कुछ नहीं होगा, सब एक साथ में रहिए। धन्यवाद। एक लेटर है एक बोलिए रावत जोर से जोर से जोर से
सेवा में ऑपरेटर इनका सहायता फाउंडेशन अध्यक्ष महोदय बगलौली बसंत जीवन विहार विषय है आर्थिक सहायता प्रदान करने के समर्थन सभी एजेंसी वहाँ से सभी ने निर्णय लिया है कि चांदनी बर्मी पति स्वर के कमजोरी ग्राम बुढ़िया जिला हजारीबाग राज्य झारखंड के निवासी है। मेरे पति स्वर्गीय कमलोदी एक पोलैंड ऑपरेटर थे जो कि मिजोरम में डी आर एन कंपनी में कार्य कर रहे थे। इनाम 9 जून 2022 को कार्य करने के दौरान पहाड़ के नीचे मशीन चलाने के क्रम में पहाड़ का एक चट्टान ऊपर से मशीन पर गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आर्थिक सहयोग प्रदान करने की कृपा की जाए ताकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को पालन पोषण कर सकूँ। आपका विश्वासी नाम चांदनी बर्मी ग्राम बुढ़िया थाना चौपारण जिला हजारीबाग राज्य झारखंड है। पिन कोड है 83 00 6। मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ 8235297112। जितना आप लोग से बने सहयोग किया जाए जितना परसों होता है जो भी होता है डाउन पेमेंट 10-20-50 इसमें डाल दीजिए ताकि एक मोटा रकम और उनके परिवार को कितना सहयोग किया जाएगा हम आप लोग के बीच में बताएंगे। और कितना संस्था में खर्च हुआ है संस्था में कितना डोनेशन जमा हुआ है कितना क्या हुआ है हम आपको बोले थे बताने के लिए। आज हम लोग जो भी ऑपरेटर भाई लाइव जुड़े हैं ऑपरेटर का सहायता फाउंडेशन से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। कम से कम 113 ऑपरेटर जो है
जो एक मई से जो 100 रुपये जमा किए थे 50 रुपये जमा किए थे उनका भी आईडी कार्ड बना हुआ है केवल 50 रुपये में और 100 रुपये में, क्योंकि वो जब संस्था का रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस दिन, जब उस वक्त पैसा नहीं था, जब उन लोग संस्था को सहयोग किए और संस्था आगे बढ़ा और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इसका रजिस्ट्रेशन भी सब लोगों को बताया थे कितना हुआ है। इसमें आईएसओ जो रजिस्ट्रेशन होता है हम आप लोग को दिखाए थे, जो अमेरिका से रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस आया था, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था, तो हर हमेशा इसको रजिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अभी दो रजिस्ट्रेशन बाकी है, एटीजी 12 का और एक है ट्रेडमार्क। क्या है हम आप लोगों को बता देते हैं, जो आप लोग यहाँ पर लोगो देख रहे हैं या ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का लोगो यहाँ पर, ये ओरिजिनल लोगो है। अगर ये कोई अपना ग्रुप में लगाता है या फेसबुक में लगाता है या संस्था के नाम से ग्रुप बनाता है बिना संस्था से पूछे, तो संस्था उसके ग्रुप पर उसके एडमिन पर कार्रवाई कर सकती है, एफआईआर कर सकती है एक ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होने के बाद। साथियों हम एक एक पूरे डिटेल्स तो बता नहीं सकते हैं। ये देखिए यहां पर पूरा जो खर्च हुआ है यहां पर पूरा लिस्ट ओरिजिनल पूरा घर पर अभी जो भी इसका लिस्ट है यहाँ पर, जो भी लिस्ट है यहाँ पर होटल का कहाँ पर आदमी किया है, क्या सामान खरीदा है, ये देख लीजिए ये लैपटॉप का है 39,500, जो लैपटॉप का ऑनलाइन नाम था 42,000 रुपया लेकिन इसको ऑफलाइन दिया गया। ये है आपको जो काउंटर बनाने के लिए जो खर्च हुआ है 6,310 रुपया और इसका लेबर चार्ज अलग से होता है। आप लोगों को पता है भैया लेबर चार्ज का तो हम बिल नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो मजदूर है वो बिल कहाँ से देंगे। ये है आपका झारखंड सरकार का, हम लोग कोटरमा में जब मीटिंग किए थे उस टाइम पे 500 रुपये का रसीद था। ये वेस्ट बंगाल का मीटिंग का हॉल का है, बाकी बहुत सारे हैं। और ये है रेलवे का जाने आने का, कहाँ हम गए हैं, किस काम से गए हैं, अपना काम से तो नहीं गए हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल्स हम रखे हैं और इसको प्रिंट आउट करने के लिए भी पैसा लगता है, फ्री में प्रिंट आउट नहीं होता है। अभी तो संस्था का प्रिंटर भी हो गया है, लैपटॉप भी हो गया है, लेकिन जो पिछला प्रिंटर हुआ है, टाइपिंग हुआ है हिंदी टाइपिंग, उस वक्त हिंदी टाइपिंग में कम से कम लगभग आपको 2,000 रुपये के करीब खर्चा हो गया है हिंदी टाइपिंग जीरक्स कराना। उसके बाद जो संस्था का नंबर है 8092234004, इसको अभी तक कम से कम हो गया आपको एक साल, बोले तो एक साल 14 महीना हो गया, 14 महीना का रिचार्ज आप जोड़ लीजिए लगभग 5,000 से भी ज़्यादा हुआ। क्या मैं पहले ये आप जोड़े हैं 25/3/2022 यानी परसों का, ठीक है। और इसमें देखिए बैनर एडिटिंग, फोटो एडिटिंग आप लोगों को पता है। उसके बाद जब एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस टाइम एविडेविट के लिए खर्चा, प्रिंट आउट के लिए खर्चा, यहाँ टाइपिंग कराना वहाँ टाइपिंग कराना, इसका भी पैसा लगा। ये फ्री में नहीं बना है, जो लोगो आप देख रहे हैं 999 रुपये का है ओरिजिनल लोगो, इसको भी एडिटिंग किया गया है। इसके बाद आईडी कार्ड आप लोग जो बनता है आईडी कार्ड का, जो एक आईडी कार्ड बनाने में 40 रुपये खर्चा आ रहा है। और ये आप लोग जो बेल्ट पहने हैं जिनके पास है ये आईडी कार्ड बेल्ट और फ्रेम 50 रुपये खर्चा आता है, इसलिए हम सबके पास नहीं भेजते, जो कुरियर नहीं कर पाते हैं, जो ऑपरेटर भाई मीटिंग में आएंगे उन्हीं को दिया जाएगा। और अभी देखिए जम्मू कश्मीर हम जब गए थे तो वहाँ पर
50% दिया गया था ऑपरेटर साथियों को, 1% का बिल है जीएसटी के साथ, 5% जीएसटी के साथ यहाँ पर, तो अभी 50% भी दिया जाएगा और जब 1020 हो जाएगा तो संस्था एक बार 1020 मंगा कर यहीं पर क्लिप करा कर हर जहाँ मीटिंग होगा वहाँ पर सभी ऑपरेटर को दिया जाएगा। ये बात नहीं है कि जो ऑपरेटर बाहर में उसको नहीं मिलेगा, उनको भी घर पर दिया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए टीशर्ट अगर हम दुकान में छपवाते हैं तो वहाँ पर 300 रुपये लग रहा है, एक टी शर्ट का दाम 300 रुपये लग रहा है, 250 रुपये लग रहा है। इसके लिए अगर संस्था टी शर्ट लाती है तो इसमें खर्च भी और कम पड़ता है और सबको भी मिलेगा। और हम बता देते हैं एक अप्रैल से 1000 का फीस हो जाएगा संस्था का और आईडी कार्ड के लिए, और जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है अब उनका पेमेंट फंसता है तो भैया 10000 पर 2000 का आपको चार्ज देना पड़ेगा पैसा निकलवाने के लिए। अगर आपका पैसा लीगल है, आप वहां पर डीजल नहीं बेचे हैं तो कोई गलत काम नहीं किए तो ठीक है। सुन लीजिए, संस्था में टोटल जो डोनेशन जमा हुआ है अभी तक 25/3/2022 तक 536,700 रुपया, 536,700 रुपया इस संस्था में जमा हुआ है। 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 25/3/2022 तक और जो खर्च हुआ है 4,98,400 बचा, और जो बचा शेष बचा है 38,300 रुपया जो संस्था में बचा है 25/3/2022 तक 38,300 रुपया बचा है संस्था में। और इसमें आप लोगों को लिस्ट एक दिखाते हैं जो स्टेटमेंट है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का, ये स्टेटमेंट हम निकाले थे आपको 8 तारीख स्टेटमेंट है, उस वक्त तक 22,000 रुपये जमा हुआ था करेंट अकाउंट में ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के करेंट अकाउंट में, अभी तक मैंने 25,000 इसमें जमा हुआ है और लगभग जो फोन पे नंबर है उसमें लगभग 8,400 रुपया जमा है, और जो डोनेशन में जो कैश ऑनलाइन जमा हुआ है यहाँ पर सबके सामने यहाँ पर जितना जमा हुआ है गिनती करके स्वर्गीय कमरुद्दीन के परिवार को दिया जाएगा और उनके परिवार के लिए अभी ईद का भी त्यौहार आ रहा है उनके परिवार के लिए संस्था उनके परिवार के लिए साड़ी का उनके परिवार और उनके मां के लिए दोनों के लिए साड़ी का व्यवस्था किए हैं साथियों। अभी उनका परिवार जो संस्था है उनके परिवार को 25,000 रुपया का मुआवजा का ऐलान करते हैं और आगे भी भविष्य में संस्था उनके साथ है। ये बात नहीं है कि आज जो 25,000 रुपये दिया जाएगा ये आज ही बनेगा, आने वाले समय में जैसा जैसा संस्था आगे बढ़ेंगे भविष्य में हर ऑपरेटर के साथ संस्था खड़ी है। जय हिंद जय भारत। हाँ, उनको बात कर रहे हैं, आपका नाम नहीं है।
दोस्तों अगर हम लोग चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये कहते हैं ना बूंद बूंद से दरिया भरता है। एक किसी ने आपको उनका एक शायर बोला है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुजदरी इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम लोग का होता है ना काम करते करते मौत, हम लोग अपना जान तक कुर्बान कर देते हैं। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को इसको खौफ है कहाँ। दे तलवार अब तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। मैं आप सबको इसलिए बोल रहा हूँ कि मानव श्रृंखला अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जय हिंद। धन्यवाद। सिग्नेचर का सब कुछ नहीं आवा लाइव में। आप बाकी लोग के साथ साथ में हो गया है।